सभी सम्मानित देवी और सज्जनों, मैं अपना यह सौभाग्य मानता हूं कि आप सबका देश के कोने कोने से आए हुए सभी महानुभावों का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि सिंध प्रांत से भी लोग यहां पर आए। हम लोग अपने राजस्थान में पंजाब सिंध गुजरात सिंध भले ही वो पाकिस्तान का हिस्सा क्यों न हो गया हो, लेकिन सिंध की गौरव गाथा को भारत आज तक भूला नहीं। और आप सभी देश को कोने कोने से यहां पर आए, तो मैं इस लखनऊ का सांसद मैं यह मानकर चलता हूं कि आप सभी हमारे मेहमान हैं, हमारे आप सभी अतिथि। इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सभी का इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मुझे बताया गया कि यहां पर सिंधी में भाषण हो रहा है। ये बात सच है कि मैं सिंधी बोल नहीं सकता, तो मैंने कहा यदि यहां पर सिंधी समाज एकत्रित से तो कम से कम एक आध दो वाक्य मैं सिंधी में भी जरूर बोलना चाहूंगा। और सिंधी में बोलकर मैं सिंधी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहूंगा, इसलिए हिंदी में आपका मैंने स्वागत कर लिया है। मां त्वाम सबिन जो जो हिन पावन मौके के हार्दिक अभिनंदन। मैंने सही बोला या गलत बोला, लेकिन सिंधी बोला। लेकिन आइंदा जब कभी किसी कार्यक्रम में जाऊंगा तो मैं एक वाक्य ही नहीं बोलूंगा, एक तो बिल्कुल कई वाक्यों में मैं अपना भाषण करूंगा। आज का यह अवसर है बाबा आसुदा रामजी महाराज का 55वां निर्वाण दिवस। भले ही वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि आज भी उनकी आत्मा विराजित है और हम सब उसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और प्रतिवर्ष हम लोग इसी तरीके से एकत्रित होते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे संत महात्माओं का जो जीवन होता है उससे प्रेरणा लेकर मनुष्य बहुत ही सफलतापूर्वक और शानदार तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है। इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। जहां तक सिंधी समाज की समस्याओं का प्रश्न है, वैसे जब कभी कोई कार्यक्रम होता है नेता आते हैं तो नेता आश्वासन देते ही हैं। और मैं समझता हूं कि आजाद भारत में नेताओं के द्वारा जितने आश्वासन दिए गए, यदि आंशिक रूप से भी आश्वासन पूरे हो गए होते आज हमारा यह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता और दुनिया का सबसे महान देश बन गया। मैं भी आपके सिंधी समाज की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित हूं। और जब मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप भी आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासनों की भुट्टी नहीं पिलाना चाहता हूं, लेकिन इतना आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और आपके समाज के लोग इस बात के साक्षी हैं, मैं कोशिश यही करूंगा। आश्वासन नहीं दे रहा हूं, मैं बचता हूं आश्वासन देने से। मैं विश्वास का संकट नहीं पैदा करना चाहता, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश कर रहा हूं तो परिणाम सकारात्मक होकर रहेगा।
जब यहाँ से नानक चंद जी, मुरली जी, सब सारे लोग गए थे, अधिकारियों को बैठाकर इनके साथ जो मैंने बातचीत की और मैंने उन्हें आवश्यक निर्देश दे दिया और समय सीमा भी तय कर दी, समय सीमा तय कर दी थी ना, समय सीमा भी मैंने तय कर दी थी कि इतने दिन के अंदर इसका परिणाम मेरे सामने आ जाना चाहिए, कर दिया। और आप ये मानकर चलिए कि आप भारत के नागरिक पहले भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे, भारत के नागरिक छीन नहीं सकता है। अन्य जो सारी कठिनाइयां हैं उनका निराकरण हम लोग कर रहे हैं, तेजी के साथ इस पर यह काम चल रहा है और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि आप सब के समक्ष परिणाम आ जाएंगे। अभी हाल में ही मैंने एक फैसला और भी किया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से आने वाले अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, चाहे कोई भी, भले ही उनका पासपोर्ट इनवैलिड क्यों ना हो गया हो, अवैध क्यों ना हो गया हो, भले ही वर्षों से यहाँ पर रह रहे हों, तो उनकी एंट्री को, भारत में उनकी एंट्री यानी उनके प्रवेश और साथ ही भारत में उनके स्टे को मैंने रूल्स में अमेंडमेंट करके उसे वैलिड कर दिया है, उसे वैधानिक कर दिया है। यह आदेश जारी हो चुका है 7 सितंबर। वैसे ही जो बचे कुछ चीजें होंगी आप लोग भी प्रतीक्षा करिए, यदि हमारे सखी बाबा अफ्ताराम जी महाराज का आशीर्वाद रहा, हमारे यहाँ पर संत श्री चांदूराम जी और हमारे ये संत श्री युधिष्ठिर जी, अभी मुझे बताया गया कि हमारे रायपुर से यहाँ आए हैं, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो बहुत ही जल्दी ही कोई ना कोई शासनादेश आपकी समस्याओं का समाधान करते हुए आप सबके सामने आ जाए। आज के अवसर पर मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इस समाज से जुड़े सभी संतों को केवल सिंधी समाज का ही संत मैं नहीं मानता हूं, बल्कि समाज के सभी धर्म सभी वर्ग के भी जो संत हैं, संत संत होता है चाहे वह किसी समाज का हो, हृदय की गहराइयों के आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति।